गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो दिस इज आवर सेकेंड डे इन ऋषिकेश। हम कल यहाँ पे आ गए थे जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा। अभी सुबह के बज रहे हैं कितने? साढ़े पाँच बज रहे हैं अभी सुबह के। एडिटिंग का काम चालू है। मैडम ने बना दी है चाय हमारे लिए और पहले कॉफी भी बना के दे चुकी हूँ। हाँ, और पहले ब्लैक कॉफी भी पी चुके हैं। अपन उठ गए थे कितने बजे? चार बजे उठ गए थे। हमने वही रूटीन फॉलो किया, 10 बजे तक सो गए थे। सुबह उठ करके अपना काम धंधा वैसे ही चालू कर दिया। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी काम निपटाते हैं क्योंकि हमने जाना है नीर झरना। आज जाएंगे नहीं यार, लक्ष्मण झूला के नीचे बैठना है वहाँ पे। चलो लक्ष्मण झूले के नीचे भी बैठेंगे, सबसे पहले लक्ष्मण झूला चले जाएंगे। चलो वहाँ थोड़ी देर नीचे बैठेंगे। नहीं, वो नीम बीच जाएंगे, नीर झरना तो अभी कभी भी जा सकते हैं ना। ठीक है, नीम बीच सुबह। हाँ, और उसके बाद लेकिन उन सब चीज़ों से पहले आप लोग को रिजॉर्ट का ना थोड़ा टूर देना है एक्सटीरियर से, क्योंकि अभी लाइट आ जाएगी। निकलते वक्त सबसे पहले टूर देंगे फिर आगे निकलेंगे। ये हमारे विंडो से एक व्यू है, इतना प्यारा। मंदिर में जाना है, बहुत मन है, पर अभी की एडिटिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है, सारी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाती है। इतनी अच्छी हवा चल रही है। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी भी हम लोग बाहर निकल आए हैं। ये हुआ कि एडिटिंग करते करते बहुत लेट हो जाएगी तो बीच में उसको रोक दिया है। नहीं, ये हुआ कि मैंने जबरदस्ती तैयार किया। नहीं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया। ये हुआ कि बहुत लेट हो जाएगा एडिटिंग करते करते, फिर व्यू निकल जाएगा, धूप आ जाएगी। तो अपन थोड़ा रिजॉर्ट में एक चक्कर लगा रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि क्या क्या है अपने रिजॉर्ट में, पूल वगैरह है, क्या सिस्टम है। तो पहले जा रहे हैं उधर। हवा चल रही है बहुत तेज। बाइक उठा करके रिजॉर्ट से निकल रहे हैं। सबसे पहले अपन बाइक में रिफ्यूलिंग कराएंगे क्योंकि एकदम निल ही हो चुका है फ्यूल। तो सबसे पहले रिफ्यूलिंग, उसके बाद घूमना फिरना। तो भैया गाड़ी में रिफ्यूलिंग भी हो गई, अब सीधा का सीधा लक्ष्मण झूले वाली साइड, क्योंकि कल गए थे ना तो रात का अंधेरा था, उतना अच्छा व्यू नहीं मिला मैडम को। तो ये हुआ कि यार फिर से चलेंगे, अच्छा व्यू लेके आएंगे, थोड़ा वहाँ पे नदी के साइड थोड़ा सा बैठेंगे भी, रिलैक्स भी करेंगे। कल अपन इन्हीं रास्तों में पैदल चल के जा रहे थे, जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन वापस लौटने में काफ़ी हालत ख़राब हुई। क्यों? क्योंकि अपन वैसे भी थक गए थे यार पूरे दिन राइड करके, इसीलिए आज अपन ने डिसाइड किया कि भाई बाइक से चलेंगे। आप लोग बाइक पर नई कीरिंग देख सकते हो, ये शिल्पी ने कल मेरे को दिलाई, कहा बहुत पुरानी हो गई है वो कीरिंग, गंदी भी हो गई है तो उसको चेंज कर दो। कल अपन शाम को इधर आए थे, इतनी भीड़ थी और कुछ व्यू नहीं मिल रहा था, लेकिन आज आप लोग देखो इतना प्यारा व्यू है चारों तरफ। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो आई डोंट थिंक आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जाएं नीचे, वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करेंगे, बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और इस व्यू का मज़ा लेंगे। Shambho.
अभी जस्ट रूम पे वापस आए, रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब प्लान ये है कि जो थोड़ी सी एडिटिंग बची है मैं अपनी एडिटिंग पूरी करूंगा। ये मेरा वर्क स्टेशन मैंने छोटा सा यहाँ बना लिया है। 9:30 बज रहा है अभी, एटलीस्ट 2 घंटा तो मुझे लगेगा काम करने में, 11:30। फिर प्लान ये बन रहा है कि हरिद्वार जाते हैं मनसा देवी मंदिर, और अगर शाम को टाइम रहा तो फिर वहाँ पे आरती देख करके हरिद्वार की, तब यहाँ वापस लौटेंगे। अभी फिलहाल तो ये प्लान है, आगे का क्या कैसे सीन होता है आप लोग को अपडेट होता रहेगा। और यहाँ देखो लाइटिंग कितनी प्रॉपर है, बहुत अच्छी लाइटिंग। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है धूप। तो बस यही है, बाहर इस वक्त घूमने का कोई भी मतलब नहीं है। वापस रूम पे आ गए, काम निपटाएंगे, आगे के लिए प्लान करेंगे। 6:30 तो गाइस इस समय बज रहे हैं 4:00। अपन लोग सुबह लक्ष्मण झूला वगैरह कवर करके आ गए थे रूम पे, नाश्ता वास्ता करके। उसके बाद मैंने 2-3 घंटे एडिटिंग का काम किया, शिल्पी सो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ इंटरनेट के इतने ज्यादा इश्यूज है ना कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा ट्राई किया, सब कुछ ट्राई कर लिया। अपना प्लान ये था कि मनसा देवी मंदिर जाते अपन हरिद्वार में, उसे हमें कैंसिल करना पड़ा। क्यों? इंटरनेट के चक्कर में इतना हमने टाइम वेस्ट कर दिया था ऑलरेडी कि वो मंदिर जाना आना इतनी दूर हरिद्वार तक 20-25 किलोमीटर कोई वर्थ नहीं होता, शाम हो जाती रात हो जाती। हमने दूसरा प्लान बनाया कि हम ये अपना महादेव का कोई टेंपल है यहाँ पे, वहाँ सोच रहे थे जाने को, लेकिन वो भी हम नहीं जा पाए, लेट हो जाता, वो भी लगभग 21 किलोमीटर दूर है। तो अब अपन थक हार के अपना लैपटॉप लेके जा रहे हैं नीम बीच पे, वहाँ शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने को मिले, तो वहाँ पे थोड़ी देर अपना अपलोडिंग भी करेंगे और शाम एंजॉय भी करेंगे। क्या कह रही हो? मुझे राफ्टिंग करनी है। राफ्टिंग करनी है? हाँ। सुबह जब तुमसे पूछा था तब तो तुम कह रही थी मेरे को डर लग रहा है। सबको देख के मोटिवेशन आ रहा है। इतने लोग को देख के यार मुझे राफ्टिंग करने का मन है। सीरियसली, लेकिन राफ्टिंग तो यार करनी चाहिए सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस फील होता है आपको। सीधी सीधी थोड़ी होती है राफ्टिंग, राफ्टिंग तो ऊपर नीचे हिलाऊदार होती है। हैं? तुम चल रहे हो तो पानी पे क्यों डर है? नहीं बाबा, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है राफ्टिंग में। भाई कोई भी गिर सकता है। तो तुम नहीं बचाओगे? मैं बचाऊंगा शायद, हाँ, मतलब अगर मैं ना गिरूँ तो। तो लाइफ जैकेट तो होती है? लाइफ जैकेट होती है, बट स्टिल डेंजर तो होता है टकराने का इधर से उधर। चलो अब अपन इधर नीम बीच पे बैठ के थोड़ा एंजॉय करेंगे, अपलोडिंग पे लगाएंगे चीज़ों को पहले, तो सबसे पहले मेरे को राफ्टिंग में भेज दो, तुम अपना करते हो, मैं मजाक नहीं कर रही। ओके शिल्पी, यहाँ एंजॉय करते हैं थोड़ी देर बैठ के। अरे यार, चलो नो राफ्टिंग फॉर यू, नो राफ्टिंग, तुम्हें डर लगता है पानी। तो भाई अपन नीम बीच के बाद इधर आ गए हैं राम झूले की तरफ, और लोगों ने बताया कि राम झूले पे बाइक जाती है, तो आई थॉट कि चलो एक राउंड लगा के आते हैं उससे फिर बाइक पे। शिल्पी काफ़ी डर रही है कि यार ब्रिज पे कैसे जाएंगे ये वो, कई सारी KTM डोमिनार्स वगैरह जा रही हैं, तो मेरे को लग रहा है यार जब वो सारी जा रही हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, राम झूला तो यही है ना, तो दो हैं क्या, मजबूत कौन सा है? लो शिल्पी तुम्हारे मन का हो गया, यहाँ से तो नहीं जा रहे बॉस, वहाँ तक भी चल के देखते हैं क्या होता है। तो ये है भैया राम झूला। भैया दूसरा ब्रिज भी है क्या कोई आगे? 3 ब्रिज हैं, वो ज़्यादा मजबूत है। तो भैया राम झूले का प्लान हम लोग ने कैंसिल कर दिया, क्यों? क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार, हम 10 मिनट खड़े रहे, हमारी बाइक ज़रा सा भी इतू सा भी आगे नहीं बढ़ी, तो भैया कैंसिल कर दिया। तो अब अपन जाते हैं ढूंढते हैं कोई कैफे वैफे में, ज़रा 10-15 मिनट थोड़ी देर बैठते हैं, लैपटॉप लेके घूम रहे हैं कहीं कुछ अपलोड हो जाता है तो। राइट नाउ वी आर इन कैफे कर्मा,
और यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा इंटरनेट का सीन चला है, तो अपन इधर कुछ अपना अपलोडिंग भी कर रहे हैं। मतलब मैं सच में पी वर्ग ऋषिकेश का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा इंटरनेट के मामले में कि मैं बता नहीं सकता। बाकी सब कुछ सही है, इंटरनेट के मामले में अब की बार बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। चलो अभी कैफ़े मिला है, इट्स अ वेरी डिसेंट कैफ़े, कोल्ड कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बस यही है, शाम इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक थोड़ी देर इधर ही मार्केट में टहले घूमेंगे, फिर अपना निकल जाएंगे रूम पे। बस यही है आज का, तो क्यों चल गई ब्लॉग इधर ही एंड कर दें फिर, है ना? आपको कुछ नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट करके बताओ कि इस पूरी वीडियो में आप लोगों का बेस्ट पार्ट कौन सा था। मेरा बेस्ट पार्ट था नीम बीच पे ड्रोन। नीम बीच पे ड्रोन तुम्हारा बेस्ट पार्ट था? ऑसम व्यू। हाँ बहुत अच्छा व्यू आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।